नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे ध्यान के प्रकार। हमारे पिछले 5 पार्ट देखने के लिए आप नीचे दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। ध्यान के ऊपर सीरीज का ये 6वां वीडियो है। चलिए जानते हैं ध्यान के प्रकार। आपने आसन और प्राणायाम के प्रकार जाने हैं, लेकिन ध्यान के प्रकार बहुत कम ही लोग जानते हैं। निश्चित ही ध्यान को प्रत्येक व्यक्ति की मनोदशा के अनुसार ढाला गया है। मूलतः ध्यान को 4 भागों में बांटा जा सकता है, देखना, सुनना, श्वास लेना और आंखें बंद कर मौन होकर सोच पर ध्यान देना। देखने को दृष्टा या साक्षी ध्यान, सुनने को श्रवण ध्यान, श्वास लेने को प्राणायाम ध्यान और आंखें बंद कर सोच पर ध्यान देने को विकुटी ध्यान कह सकते हैं। उक्त 4 तरह के ध्यान के हजारों उप प्रकार हो सकते हैं। उक्त चारों तरह का ध्यान आप लेटकर, बैठकर, खड़े रहकर और चलते चलते भी कर सकते हैं। उक्त तरीकों को में ही ढलकर योग और हिंदू धर्म में ध्यान के हजारों प्रकार बताए गए हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति की मनोदशा के अनुसार है। भगवान शंकर ने मां पार्वती को ध्यान के 112 प्रकार बताए थे, जो विज्ञान भैरव तंत्र में संग्रहित हैं। देखना, ऐसे लाखों लोग हैं जो देखकर ही सिद्धि तथा मोक्ष के मार्ग पर चले गए हैं। इसे दृष्टा भाव या साक्षी भाव में ठहरना कहते हैं। आप देखते जरूर हैं, लेकिन वर्तमान में नहीं देख पाते हैं। आपके ढेर सारे विचार, तनाव और कल्पना आपको वर्तमान से काट कर रखते हैं। बोधपूर्वक अर्थात होशपूर्वक वर्तमान को देखना और समझना, सोचना नहीं, ही साक्षी या दृष्टा ध्यान है। सुनना, सुनकर श्रवण बनने वाले को बहुत है। कहते हैं कि सुनकर ही सुन्नत नसीब हुई। सुनना बहुत कठिन है। सुने ध्यान पूर्वक पास और दूर से आने वाली आवाजें, आंख और कान बंद कर सुने भीतर से उत्पन्न होने वाली आवाजें। जब यह सुनना गहरा होता जाता है, तब धीरे धीरे सुनाई देने लगता है नाद अर्थात ओम का स्वर। श्वास पर ध्यान, बंद आंखों से भीतर और बाहर गहरी श्वास ले। बलपूर्वक दबाव डाले बिना यथासंभव गहरी सांस ले। आती जाती श्वास के प्रति होश पूर्वक और सजग रहे। बस यही प्राणायाम ध्यान की सरलतम और प्राथमिक विधि है। भ्रिकुटी ध्यान, आंखें बंद करके दोनों पांवों के बीच स्थित भ्रिकुटी पर ध्यान लगाकर पूर्णतः बाहर और भीतर से मौन रहकर भीतरी शांति का अनुभव करना। होश पूर्वक अंधकार को देखते रहना ही भ्रिकुटी ध्यान है। कुछ दिनों बाद इसी अंधकार में से ज्योति का प्रकटन होता है। पहले काली, फिर पीली और बाद में सफेद होती हुई नीली। अब हम ध्यान के पारंपरिक प्रकार की बात करते हैं। यह ध्यान 3 प्रकार का होता है, स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान, स्थूल चीजों के ध्यान को स्थूल ध्यान कहते हैं। जैसे सिद्धासन में बैठकर आंख बंद कर किसी देवता, मूर्ति, प्रकृति या शरीर के भीतर स्थित हृदय चक्र पर ध्यान देना ही स्थूल ध्यान है। इस ध्यान में कल्पना का महत्व है। ज्योतिर्ध्यान, मूलाधार और लिंग मूल के मध्य स्थान में कुंडलिनी सर्वाकार में स्थित है। इस स्थान पर ज्योतिष रूप ब्रह्मा का ध्यान करना ही ज्योतिर्ध्यान है। सूक्ष्म ध्यान, साधक सांभवी मुद्रा का अनुष्ठान करते हुए कुंडलिनी का ध्यान करे। इस प्रकार के ध्यान को सूक्ष्म ध्यान कहते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे ध्यान के चमत्कारिक अनुभव के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।